मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखो मैक्सिमा मिनिमा का टॉपिक जो है वो एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, आपको ये सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए मैक्सिमा मिनिमा का, और कैलकुलस का पार्ट है जैसे कि मैंने बताया, और ये पेपर में नहीं आएगा। इसकी एप्लीकेशन न्यूमेरिकल्स के अंदर काम आएगी और वो भी कॉम्पिटिशन में आएगी, एनसीईआरटी के अंदर तो ये आता ही नहीं है। है क्या टॉपिक समझो, ये टॉपिक है सपोज करो कोई वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है किसी बॉडी का टाइम के साथ, तो वाई कोऑर्डिनेट ऐसे चेंज हो रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे कभी ऊपर, या जैसे कोई पहाड़ पे चढ़ रहा है, गाड़ी चढ़ रही है पहाड़ पे ऊपर, फिर पीक पे पहुंच के नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर नीचे, ऐसे ठीक है यहां तक। अब किसी ने ये पूछा कि इसकी जो कोई अगर मान लो यहां पे आया, उसने कहा जी मैं पीक पे पहुंच गया, तो दूसरे स्टूडेंट ने कहा ऐसे कैसे पहुंच गया, देख मैं तेरे से ऊपर पीक पे हूं, और हो सकता है तीसरे वाला इससे ऊपर पीक पे, तो पीक पे पहुंचना तो कोई स्टेटमेंट ही गलत है। कोई कहता है जी शिमला पे पहुंच गया, रिज पे पहुंच गया, मैं पीक पे पहुंच गया, वो दूसरा वो कुफरी वाला कह रहा है कैसे पहुंच गया भाई तेरे से ऊपर हूँ, चौथा कहता है जी नारकंडा वाला कहता है तेरे से भी ऊपर हूँ, जो पांचवा कहता है मैं तेरे से भी ऊपर हूँ, हिमालय पे बड़ा बंदा कहता है सबसे ऊपर हूँ। अब ये तो कोई रेफरेंस पॉइंट ही नहीं है ना जी, तो इसका मतलब कि आपकी पीक लोकल है, लोकल का मतलब आप ये नहीं कि दुनिया की सबसे बड़ी पीक पे हो, तो आप ऊपर नीचे होते रहते हो, राइट। ये रिलेटिव टर्म है पहला पॉइंट। दूसरा, अब हुआ क्या कि मान लो ये पीक पे पहुंचा, फिर ये बिल्कुल बॉटम पे पहुंच गया, फिर पीक पे फिर बॉटम, पीक बॉटम पीक बॉटम, तो एक चीज नोट करने वाली है कि जब वो ऊपर जाता है तो स्लोप की वैल्यू कम होती जाती है, जब हम ऊपर जाते हैं ग्राफ में तो स्लोप देखो ना टेंजेंट कम 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 कम, टॉप मोस्ट पॉइंट पर जीरो, फ्लैट ड्रॉ अ टेंजेंट, स्लोप क्या आएगी जीरो। तो यहां पर आती स्लोप क्या हो गई जीरो, फिर स्लोप नेगेटिव कम नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और फिर स्लोप फिर क्या हो गई जीरो, टेंजेंट ड्रॉ करोगे फ्लैट आएगा, फिर स्लोप क्या आ गई जीरो, स्लोप जीरो जीरो जीरो। तो मुझे एक बात समझ में आ गई, अगर कोई स्टूडेंट ऊपर नीचे मूव कर रहा है और वो मुझे ये बोलता है कि मैं डायग्राम दिखा नहीं पा रहा सर आपको, पर हाँ इतना बता रहा हूं कि मेरी स्लोप उस पॉइंट पर जीरो है, मैं समझ गया या तो टॉप पे है या तो बिल्कुल बॉटम पे है। टॉप को बोलते हैं मैक्सिमा, बॉटम को बोलते हैं मिनिमा, या तो मैक्सिमा के पॉइंट पे है या फिर मिनिमा के पॉइंट पे, क्लियर है यहां तक, क्योंकि दोनों केस में स्लोप जीरो है, पर मैं ये बता नहीं पा रहा कि एग्जैक्टली तू ऊपर है या तो नीचे है, क्योंकि आंसर दोनों में एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि स्लोप जीरो दोनों में सेम आंसर दे रहा है। अब इसमें अगर मैं और थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूं तो ये ग्राफ ऐसा बनाया मैंने, चाहे मैं मैक्सिमा के पॉइंट पे हूं तो भी स्लोप जीरो है, और स्लोप होगी क्या अगर ये वाई एक्सिस है, अगर ये टी टाइम एक्सिस है तो स्लोप किसी भी इंस्टेंट पे ड्रॉ अ टेंजेंट तो क्या होगी dy by dt, बताया था ना dy by dt, अगर ये y एक्सिस है तो dy स्मॉल एलिमेंट और ये स्मॉल एलिमेंट dt, तो यानी कि यहां पर स्लोप क्या होगी जीरो, और स्लोप है क्या dy by dt, तो dy by dt क्या होगा जीरो। क्या ये पॉइंट क्लियर है, चाहे मैक्सिमा चाहे मिनिमम स्लोप जीरो है, पहला पॉइंट सबको क्लियर है। दूसरा, अगर मैं ध्यान से देखूं यहां पर स्लोप ज्यादा है, ऊपर आके स्लोप कम है, कम 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 जीरो, फिर स्लोप नेगेटिव 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 नेगेटिव, मतलब नीचे की तरफ बढ़ती जा रही है और फिर जीरो, स्लोप कॉन्टिन्यूसली क्या हो रही है चेंज, कभी ज्यादा कभी कम, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, चेंज हो रही है टाइम के साथ। अगर स्लोप चेंज हो रही है, स्लोप को कैसे लिखते हैं dy by dt, dy by dt स्लोप का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, तो स्लोप इज dy by dt, लेकिन यहां पर तो स्लोप ही चेंज हो रही है, y तो चेंज हो ही रहा है, dy by dt स्लोप ही चेंज हो रही है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि स्लोप अगर चेंज हो रही है और मैं देखना चाहता हूं कि स्लोप कैसे चेंज हो रही है, तो मैं स्लोप को क्या करूंगा डिफरेंशिएट। तो dy dt ऑफ स्लोप को कैसे रीड करेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, पहले पार्ट पे मैंने स्लोप निकाल ली, स्लोप क्या होती है dy by dt, तो स्लोप यहां पर क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और दूसरे पार्ट में मैं क्या निकाल रहा हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप की स्लोप कैसे चेंज हो रही है, समझ में आ रहा है। पर क्योंकि स्लोप क्या होती है dy by dt, तो यहां पर dy by dt कैलकुलस किया था, डबल डेरिवेटिव याद है d2y by dt square, तो अगर मैं इस टॉपिक में लिखता हूं dy by dt, इसका मतलब स्लोप,
और अगर मैं लिखता हूं डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, कि स्लोप कैसे चेंज हो रही है। अब इसको यूज कैसे करना है बताता हूं, आप टेंशन मत लें कि बताता हूं ये करेगा क्या इसका, आपको याद नहीं करना, आपको कुछ नहीं पढ़ना, आपको समझना है। अब एक पॉइंट जो आपने अब लिखना है फॉर्मूला रजिस्टर में, जो काम की चीज है इस शीट में वही लिखवाऊंगा, तो लिखे फॉर्मूला रजिस्टर में कि टॉप मोस्ट पॉइंट या बॉटम मोस्ट पॉइंट पर स्लोप क्या रहेगी, जीरो, पहला पॉइंट, और स्लोप होती क्या है डी वाई बाई डी टी जो कि क्या होगी जीरो, ये पहला पॉइंट लिखे प्लीज। तो अभी तक जो सुना इसमें से ये निकला, जैसे क्वेश्चन आएगा, एग्जाम्पल है आपको ना, वो कहेगा कि मैं ग्राफ नहीं दे रहा जी आपको, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि y टाइम के साथ अपनी वैल्यू को ऐसे चेंज कर रहा है, क्वेश्चन है टाइम बताओ, टाइम बताओ जहां पर, जब इसका ग्राफ बनेगा तो मैक्सिमम मिनिमम के पॉइंट्स आएंगे, जहां पर y की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम होगी, टाइम बताओ जहां पर y की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम होगी। ठीक है, तो मुझे यह सिखाया गया कि y जब मैक्सिमम या मिनिमम होगा तो वहां पर dy by dt स्लोप क्या हो जाएगी, जीरो, राइट, इसे या लिखा और, क्योंकि दोनों में वैलिड है ये, और स्लोप dy by dt जीरो हो जाएगी, तो y की वैल्यू क्या है, y की पूरी वैल्यू उठा के यहां पर पुट कर दें, इसे डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट करके इक्वल टू जीरो करें, तो टाइम की वैल्यू क्या आएगी 1/4 सेकंड, तो आंसर आ गया 1/4 सेकंड पर y की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमा या मिनिमम। मैं कह नहीं सकता कहीं पर भी या आप टॉप पे हैं या आप बॉटम पे हैं, लेकिन मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कहां पर है, पर काफी लोग पूछते हैं कि सर एक आंसर दो, क्योंकि आप एक टाइम पर या तो बिल्कुल टॉप पे होंगे या बॉटम पे, आप इकट्ठे दो जगह नहीं हो सकते, इसलिए आंसर में एंड नहीं है, आंसर में और है, पर आंसर तो एक ही होना चाहिए। अब कैसे चेक करते हैं कि आप टॉप पे हैं या बॉटम पे, यानी या मैक्सिमा पे हैं या मिनिमा पे है, वो चेक करने का एक सिस्टम है। क्या अभी हमने क्या डिस्कस किया, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, जिसको क्या लिखा डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर। अब आप कह रहे थे कंफ्यूजिंग है, समझ में, अब देखो समझाता हूं क्या है। ये मैथ्स को छोड़ दो, कॉमन सेंस की बात करते हैं। कॉमन सेंस ये कहती है कि ये आपके सामने ये जर्नी है, मान लो किसी भी वाई ऐसे चेंज हो रहा है, ये मैक्सिम है और ये इसका मिनिम है, दोनों में स्लोप क्या है जीरो, मुझे आंसर देना। अगर मैं यहां ऊपर चढ़ रहा हूं तो मेरी स्लोप क्या है, पॉजिटिव, नीचे आने पे स्लोप क्या है, नेगेटिव, और फिर क्या है, पॉजिटिव, ऐसे ही है, ऊपर चढ़ना पॉजिटिव, नीचे उतरना नेगेटिव स्लोप। तो जब मैं ऊपर चढ़ रहा हूं पीक पे तो स्लोप देख रहे हो क्या हो रही है, पॉजिटिव है, और क्या हो रही है, डिक्रीज 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 है, पॉजिटिव, और फिर क्या हो गई, जीरो। फिर जब मैं उतरना स्टार्ट करता हूं तो स्लोप क्या हो गई, नेगेटिव। अब सपोज करो एक मिनट के लिए, ये ग्राफ दिया ही नहीं मैंने आपको, कोई बंदा ना पहाड़ चढ़ रहा है ऐसे, पहाड़ चढ़ के ऊपर आएगा, अब मैं फोन पे बात कर रहा हूँ, भाई तू कहाँ पर है, पहाड़ पे तो लोकेशन पता ही नहीं है, पहाड़ तो पहाड़ है, जीपीएस क्या दिखाएगा उसे, पहाड़ तो पहाड़ ही है, अब मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है। मैंने फोन किया, मैंने कहा भाई तू कहाँ पर है, वो कहता जी पता नहीं मैं कहाँ पर हूँ। अच्छा मैंने कहा एक बात बता, तेरी स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कहता जी पॉजिटिव है। मैं समझ गया तेरी स्लोप पॉजिटिव है ना, यानी कि ऊपर चढ़ रहा है, पॉजिटिव स्लोप का मतलब ऊपर चढ़ रहा है, समझ में आ रहा है। फिर मैंने पूछा तेरी स्लोप क्या हो रही है, कहता कम हो रही है, मैं पहाड़ चढ़ गया हूँ और कम होती जा रही है, फोन पे हूँ मैं, उसने कहा एकदम देखो मेरी स्लोप जीरो हो गई, मैं समझ गया अब तू टॉप पे पहुंचा है। उसने कहा स्लोप मेरी क्या हो गई, नेगेटिव हो गई, इसका मतलब ऊपर चढ़ के अब तू नीचे उतर रहा है, तू मैक्सिमा पे है, इसका मतलब तू मैक्सिमा पे है, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव से क्या हो गई, जीरो से एकदम क्या हो गई, नेगेटिव। जब पॉजिटिव से जीरो से नेगेटिव होती है, जब पॉजिटिव से जीरो से नेगेटिव होती है तो आप पीक पे हैं, मैक्सिमा पे हैं। लेकिन जब आप नेगेटिव से जीरो से पॉजिटिव स्लोप पे आते हैं, इसका मतलब आपका पॉइंट मिनिमा पे है। ऐसे ही है, बात समझ में आ रही है यहां तक? तो मैथ वालों ने इसको पकड़ लिया, वो कहते हैं जी ऐसे छोड़ो, मैथ बनाते हैं। अब वो कहते हैं
जो स्लोप का चेंज है, ये स्लोप का चेंज क्या होता है, d2y by dt square, स्लोप कैसे चेंज हो रही है, तो अगर आपकी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप पॉजिटिव से जीरो से क्या होगी, फाइनली नेगेटिव. तो अगर आप रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव का मतलब फाइनली क्या हो गया, नेगेटिव. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप अगर नेगेटिव है तो यानी कि आप मैक्सिमम पे हैं, मैक्सिमम पीक पे हैं. और अगर आपका ये रेट नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब आप कहां पर हैं, मिनिमा पे हैं. और अगर चेंज ही नहीं हो रहा, जीरो पे खड़े हैं, मतलब ना आप ऊपर जा रहे हैं ना नीचे जा रहे हैं, बिल्कुल फ्लैट सड़क पे चढ़ रहे हैं, तो स्लोप जीरो है, तो डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर भी जीरो है. तो फॉर्मूला बुकलेट में नोट करना प्लीज ये तीन चीजें, कि अगर डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर नेगेटिव है तो मैक्सिमा का पॉइंट है, पॉजिटिव है तो मिनिमा का पॉइंट है, और अगर जीरो है तो फ्लैट पॉइंट है, ना मैक्सिमा ना मिनिमा. सॉरी, अगर जीरो है तो मैक्सिमा मिनिमा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि स्लोप जीरो है ना. हाँ, बिल्कुल फ्लैट पे ही है वो, राइट. अब यूज कैसे करना है वो दिखाता हूं, और इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं जितना लग रहा है, दो मिनट में ठीक हो जाएगा. अभी तो अब क्वेश्चन देखें कैसे आएंगे, अब छोड़ो वो थ्योरी, बस होगी जो होनी थी, अब यूज देखते हैं जो काम की चीज है, या तो कुछ करना ही नहीं इसमें. क्वेश्चन है वाई की वैल्यू दे दी, फाइंड टाइम जब वाई मैक्सिमम है, ये क्वेश्चन है. मैंने कहा ठीक है, मुझे समझ में आता है, जब वाई मैक्सिमम है तो वहां पर स्लोप क्या होगी, जीरो. तो वाई टाइम के साथ चेंज हो रही है तो स्लोप क्या होगी, डी वाई बाई डी एक्स नहीं, डी वाई बाई डी टी और इक्वल टू जीरो. कि अगर मैक्सिमम का, अगर y को मैक्सिमम करना है उसको डिफरेंशिएट और इक्वल टू जीरो, वहां पर स्लोप जीरो हो गई. तो मैंने y की वैल्यू को पुट किया, डिफरेंशिएट किया, इक्वल टू जीरो किया, टाइम t इज इक्वल टू 1/4 सेकंड पर मुझे पता लग गया कि y क्या हो गया, मैक्सिमम. सही है. अब एक स्टूडेंट खड़ा हुआ, वो कहता है जी ये क्या बात बनी. मैंने कहा क्या हुआ, वो कहता देखो अगर ये क्वेश्चन मिनिमम लिख देता तो भी तो प्रोसीजर सेम ही था, क्योंकि स्लोप तो उसमें भी जीरो थी. तो फिर कैसे फैसला करेंगे, क्वेश्चन पूछने वाले ने सही पूछा गलत पूछा, क्या पता आंसर मिनिमम का आता उसे मैक्सिमम पूछ लिया. पॉइंट है कि अगर ये क्वेश्चन मिनिमम में होता तो भी टाइम सेम आना था, मैक्सिमम में होता प्रोसीजर तो सेम ही है, क्योंकि पहला स्टेप तो सेम ही है ना, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि स्लोप तो मैक्सिमम मिनिमम दोनों पे जीरो होती है. तो मैं क्या दूं जवाब कि टाइम टी इज इक्वल टू 1/4 सेकंड पर मैक्सिमा आया या मिनिमा आया, मुझे अभी भी पता नहीं. हाँ, पूछने वाले ने मैक्सिमा पूछा वो बात ठीक है, मैंने भी कर दिया, पता नहीं उसे सही पूछा गलत पूछा. चेक कर लेते हैं, चेकिंग करते हैं. चेक, वाई की वैल्यू ये थी, आप स्लोप निकालो, जीरो मत करना, सिर्फ स्लोप निकालो, डी वाई बाई डी टी. आप एक काम करो, डबल डेरिवेटिव करो, एक बार फिर डिफ्रेंशिएट करो, डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर, आंसर डबल डिफ्रेंशिएशन का 16 आ गया. 16 पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पॉजिटिव है, फॉर्मूला चेक करो. अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो पॉइंट क्या आएगा, मिनिमा. मतलब क्वेश्चन गलत पूछा, उसको पूछना चाहिए था मिनिमा, उसने क्या पूछा, मैक्सिमा. बात समझ में आई कैसे चेक करते हैं, दो बार डिफरेंशिएट करके अगर आंसर पॉजिटिव आ जाए तो मिनिमा, नेगेटिव आ जाए तो मैक्सिमा. समझ में आ रहा है कि ये चेकिंग कैसे होती है. जैसे सपोज करो अगर वाई की ये वैल्यू है, आपको एक्स निकालना है, जब y मैक्सिमा या मिनिमा हो तो पहला स्टेप तो कॉमन है, चाहे मैक्सिमा चाहे मिनिमा, क्या स्टेप है, y को मैक्सिमा या मिनिमा करना है, इसकी स्लोप मस्ट बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि y x के साथ चेंज हो रहा है, y और x का ग्राफ बनेगा, तो स्लोप dy by dt नहीं बनेगी, dy by dx इक्वल टू जीरो. तो यहां पर y की जगह क्या पुट किया, ये पुट किया इक्वल टू जीरो, डिफरेंशिएट किया इक्वल टू जीरो किया, x कितना आ गया 1/6. तो x की 1/6 वैल्यू पर y या मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा. आपने मेरे से पूछा सर एक आंसर दो, मैक्सिमा या मिनिमा, मैंने कहा देख एक काम कर चेक करते हैं,
dy by dt निकाल लेना, dy by dt ये ना, sorry dy by dx निकाल लेना स्लोप, एक बार और डिफरेंशिएट कर देना, आंसर क्या आया? नेगेटिव। अगर नेगेटिव आया तो आंसर क्या होगा? तो आंसर मैक्सिमा मिनिमा नहीं हो सकता। अब बाय चांस कोई ऐसा न्यूमेरिकल आ जाए जिसके अंदर आंसर मान लो कुछ ऐसा है कि 24x आ गया, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आई, x की फॉर्म में आ गया, अब चेक करो तो क्या करना है, ये जो x आया इसको पुट करना है यहां पे। अब आंसर पॉजिटिव आया नेगेटिव आया उससे हम डिसाइड करेंगे कि मैक्सिमा या मिनिमा, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं कि ये क्या है, तो बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है, अब ये भी करना पड़ेगा। अब सुनो, अब ये पहले खत्म कर लूं, अब सुनो, मैक्सिमा या मिनिमा का कॉन्सेप्ट ये पूरी शीट आपसे कोई नहीं लिखवा के देखेगा, मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में नहीं आएगा, स्कूल के पेपर में नहीं आएगा, कोई न्यूमेरिकल भी नहीं डालता है जिसमें मैक्सिमा मिनिमा यूज होता है, तो स्कूल की टेंशन खत्म। नीट, नीट में मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट एक सिर्फ एक स्टेप तक यूज होगा, जो पहला स्टेप है, चेकिंग नहीं आती उन्हें, हाउ टू चेक नहीं चाहिए नीट को, तो ये जो हमने किया नॉलेज बढ़ा दी आपकी, चाहिए नहीं, कोई नहीं चेक करवाएगा नीट से, डन। मेंस में 99% नहीं आएगा चेकिंग, एडवांस में आएगी चेकिंग, डबल डेरिवेटिव पूछा जाता है उसमें, मेंस में नहीं पूछी जाती चेकिंग, ठीक हो गया। पर अगर पूछ ली जाए मेंस में तो नॉन मेडिकल स्टूडेंट वैसे ही मैक्सिमम मिनिमा करके उतर, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो चेक ही कर देगा प्लस टू की नॉलेज के साथ कि मैक्सिमा या मिनिमा, वो तो उतर, वो तो तैयारी करके उतरा हुआ है, उसको फर्क नहीं पड़ता। वैसे प्रैक्टिकली नहीं पूछा जाएगा, सिंगल स्टेप पूछा जाता है, मैक्सिमा या मिनिमा चेकिंग नहीं आती। पर मैंने इसलिए करवा दी, जो करवा रहा हूं तो ये भी करवा दूं, जरूरत नहीं है, मेडिकल वालों को तो बिल्कुल जरूरत नहीं है।